फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आपको घर चेंज लग रहा होगा, अभी कल मैं आपके घर आई थी तो यहीं अभी मैं रुकी हुई हूँ यहाँ पर। तो ज़ारा को तो यहाँ पर बहुत मज़े आ रहे हैं, अभी सब बच्चे यहाँ पर सो रहे हैं, यहाँ पर हो रहा है अंधेरा, यहाँ सब सो रहे हैं और आज तो मैं भी सो गई, वरना दिन में सोने को नहीं मिलता। हम सुबह उठे लेट तो सुबह की वीडियो में लोग आप लोग के साथ नहीं शेयर कर पाई, तो अभी मैंने कहा चलो थोड़ा ब्लॉग बना लूँ मैं। और अभी शाम का टाइम है, ये बस चाय वगैरह यहाँ पर भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी वो देखिए यहाँ पे, यहाँ पर बना रही है भाई छोले और यहाँ प्याज, यहाँ पे हो रही है अभी चाय, यहाँ कट रहे हैं टमाटर, तैयारी हो रही है अभी बस। अभी खामोशी इसलिए सारे बच्चे सोए हैं कमरे में। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, आज मेरी आप ही करती है सिलाई, तो आज आप लोग को भी दिखाती हूँ उनके स्टिच हुए कपड़े। तो ये देखिए, तो ये है, ये देखिए, ये है फर्स्ट, ये इनकी छोटी बेटी का है, ये देखिए इसका पजामा, और बहुत खूबसूरत ये लग रहा है ड्रेस बच्चों का। ये देखिए डिज़ाइन कितना प्यारा लग रहा है, ये स्लीव्स है, स्लिप्स में इन्होंने ये डिज़ाइन बनाया है। और ये देखें, और ये है पजामे पे भी, कितना खूबसूरत लग रही है फ्रॉक। और आप ही ने अपने भी सिया है, तो ये देखें ये डिज़ाइन है इनका, और इसके स्लिप्स में इन्होंने ये डिज़ाइन दिया हुआ है। करीब से दिखाती हूँ आप लोगों को, देखें ब्लैक, तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है सूट भी। और दामन पे इन्होंने डिज़ाइन बनाया, ये देखें आगे ये गोल दामन है और बैक का दामन है, ये देखें, और ये है इनका पजामा। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है ये सूट, आप लोग को कैसा लग रहा है बताना है कमेंट्स में। और अभी एक और सूट जो मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, वो भी दिखाने जा रही हूँ, जो वो भी है बहुत ही खूबसूरत, इन्होंने स्टिच किया है लेकिन अभी वो अनकम्प्लीट है, और ये भी अनकम्प्लीट है अभी, क्योंकि अभी ये देखें गला ये पूरा रेडी नहीं है इनका ना, अभी डिज़ाइनिंग करेंगे अभी इस पर वो ना। और अब जो मैं दिखाने जा रही हूँ तो वो है ये वाला, ये वाला डिज़ाइन देखें, सबको छोड़े बस ये डिज़ाइन ज़बरदस्त है, इतना खूबसूरत लग रहा है। एक तो कलर इतना ज़बरदस्त है और ऊपर से डिज़ाइन भी, तो किस किस को पसंद आ रहा है ये लाजमी बताना है आप लोगों ने, मुझे तो बहुत पसंद आया ये कलर भी और स्टिच हुए कपड़े भी। तो ये देखें अभी ये सिर्फ गला बना है और इसकी स्लिप्स तैयार है, हाँ स्लिप्स भी तैयार हैं, ये देखें स्लिप्स का डिज़ाइन भी कितना अच्छा लग रहा है। और ये भी अभी पूरा रेडी नहीं हुआ है, अभी करेंगी ये भी रेडी। ये देखें इसके चाक दामन फोल्ड नहीं हुए हुए हैं, इस पर भी अभी वो डिज़ाइनिंग करेंगी। तो ये देखें, देख सकते हैं आप, ये देखो, तो जिसने सिलवाना है वो सिलवा सकते हैं। और मैंने तो बोल दिया, मैंने कहा आप ये फ्रॉक तो मुझे बहुत पसंद आई है, ज़ारा की भी सीनी है लाजमी। अभी रुकी हुई है मैं यहाँ पे एक दो दिन के लिए, तो अगर ज़ारा की कल तक सिली तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों को मैं दिखाऊँगी। हाँ तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जा चुकी है लाइट, तो अंधेरा देख रहे हैं आप, लेकिन खैर यहाँ पर चार्जिंग लाइट चल रही है, फैन भी चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर पता ही नहीं चलता लाइट का। जी देखिए, ये देखिए मैं यहाँ पर जुनेशा ज़ारा सो रही है, ऊपर सब बच्चे सो रहे हैं, और यहाँ रेडी हो गए हमारे चटपटे से मज़ेदार से छोले, तो जिसने खाना है आ जाइए। और यहाँ हम पीने लगे हैं अब चाय, बड़े मज़ेदार लग रहे हैं छोले। हाँ तो फ्रेंड, शाम को मैंने आप लोगों को दिखाया जो हमने चाय वगैरह पी और छोले चाट ये सब आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी, और रात का डिनर अभी हम लोग कर चुके हैं, जो आप लोग के साथ व्लॉग में मैं नहीं शेयर कर पाई क्योंकि अभी ज़रा हम गए थे बाहर और मोबाइल लेके नहीं गए क्योंकि बच्चे साथ थे, वीडियो में नहीं बना सकती थी, अगर साथ ये होते तो ये व्लॉगिंग कर लेते हैं और वीडियो ये बना लेते हैं, तो अभी मैं इसलिए मोबाइल नहीं लेके गई थी। और अब हम घर आ चुके हैं, रात का डिनर भी कर लिया है, और अभी जुनेशा से देखिए, देखें जब तो बच्चे सो रहे थे और अभी भी जुनेशा सो ही रही है, लेकिन ज़ारा जाग रही है, ज़ारा से मैं आप लोग को मिलवा देती हूँ। ये देखें, और ये
ये खेल रही है डोल से। और मेरी एक भांजी को हो गया है बहुत तेज बुखार, तो वो सो रही है। ये सारा की फ्रेंड है। अब इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं आप लोगों से मिलवाऊंगी इनसे। और अभी मैं जिनसे मिलवाने जा रही हूँ तो वो है, अभी देखते हैं चले मैं किससे मिलवा रही हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं आपको मिलवा रही हूँ इनसे। ये है मेरी बहन का बेटा, ये भी मेरा भांजा है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये टोपी लगाकर बैठे हुए बहुत शर्मा रहे थे वीडियो से पहले कि आनी, मुझे हंसी आ रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो नाम बताएं आपका, नाम क्या है? उजैफा। सही। और क्या कर रहे हैं आप? इसे पढ़ते हैं जी। अच्छा कौन सी क्लास में? कुरान जी। अच्छा तो ये कुरान हिफ्स कर रहे हैं ये माशाल्लाह से। तो कितना टाइम हो गया आपको? अच्छा एक दो साल। सही। तो फिर कुछ सुनाना पसंद करेंगे हमें आप? कुछ हमें भी तो सुनाए कि माशाल्लाह आप क्या पढ़ते हैं भाई। بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छा पढ़ा और आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। तो और आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर मेरी आने का आपको चैनल अच्छा लगा तो उसको लाइक करें और सपोर्ट करें। सही। हाँ तो मेरे लिए दुआ करें जी। बिल्कुल आपके लिए दुआ करेंगे, आपको अल्लाह पाक कामयाबी दे और आप बहुत जल्दी कुरान हिफ्ज़ करें। और तो फ्रेंड माशाल्लाह से देखें छोटे से बच्चे ने कितने प्यारी आवाज़ में आप लोगों को सूरत सुनाई है। तो प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आप लोग। और इनका नाम है उजैफा, उजैफा के लिए दुआ कीजिएगा जल्दी से उजैफा अपना कुरान हिफ्ज़ कर लें। हाँ तो फ्रेंड्स यही मेरी होती है वीडियो पूरी कंप्लीट। तो आज के व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।